तो दगड़ियों अभी हम चारों भाई बहन एक साथ मिल गए हैं आफ्टर एक साल के बाद, और जब से इसकी शादी हुई तब से अभी मिल रहे हैं। ये वाली ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, सबसे बड़ा मैं हूँ, ब्यौन हो गया हूँ मैं, लड़की देखो मेरे लिए। और ये है जिसकी मई में शादी हुई थी, और ये हमारी छोटी वाली सिस्टर, इसको शर्म ज्यादा है। हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग, क्योंकि जुर्वन के गाड़ी ग्राम कुजाड़ी बंदा में पहाड़ी तो दगड़ियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सूरज राव उत्तराखंडी ब्लॉग में। तो दगड़ियों कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, हम भी मस्त है। सुबह के बज गए अभी 9 और हमारे बाखले में मस्त वाली धूप आ गई, आजकल कोहरा नहीं लग रहा है, और मम्मी पहाड़ी स्टाइल में फीता पहना रहा, चप्पल को जुगाड़ करके बना रही है नया चप्पल देखो, और हमारा कुत्ता सोया हुआ है अभी। तो गाइस गाँव में आके अब गरीबी आ गई, बाकी हमारे हवेली देखो कैसे चमक रही है। तो यार जो भी ब्लॉग पर नए हैं ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, और मैं भी करता हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। तो दगड़ियों ये है हमारा पीछे का व्यू, हमारे घर के पीछे का, और मम्मी भैंस के लिए सानी देने के लिए तैयार हो गई मम्मी। अभी से हमको मशीन में कुट्टी काटनी है भैंस के लिए, और हमारा भैंस है ब्याहने वाला, 8-9 दिन पीछे हो गया, फिर ब्याह नहीं, मैं चले जाऊँगा तब ब्याह गए, बोलेगा सूरत दूध पी जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए ब्याह नहीं लिया टाइम से। और बाकी हमारी बकरियाँ आ गई बाहर अपना टन करके, और आपको दिखाता हूँ ताई, और ये कथा सुनाने के लिए रेडी है, इसके सर में जुए पड़े हैं, जुए चाने के लिए रेडी है भवानी बोजी, और हिंदी पढ़ा तो गाइस जुआ पड़े यार, मजा कर रहे हैं अभी, अभी बात जैसा सर, बात जैसा लग रहा ना, देख लो अभी बात जैसा सर। और बाकी यहाँ पे फूल लगा रखे ताई ने, ये देखो मस्त वाले फूल लगा रखे हैं। तो दगड़ियों मम्मी का ऑर्डर आ गया, मशीन को धार लगा, मशीन सानी काटनी है, घास काटना है इस मशीन में यार, अब इसमें धार लगाना पड़ेगा मेरे को, घर आके काम ही काम, 2 दिन तक कुछ काम नहीं बताया, उसके बाद अब ये कर रहे वो कर रहे ये कर रहे, पान लिया रे बकरा का, चल जा रे गोरू को चल जा रे, तो यार मैं भी मशीन पिला देता हूँ फिर अब। तो फाइनली गाइस हमारा भांजा आ गया, हमारा रियो, जय बोल दो मामा से, जय बोल दो, जय बोल दो वहां सबके लिए, जय बोल दो, जय हेलो हाय, हाय बोल दो, हाय बोल दो, मेरे से भी जय करो, नीचे पाओ मैं चीटे रहो, अरे सारा लग गए, सारा लग गए, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हाय गाइस बोलो, हाँ। तो फाइनली दोस्तों बड़ी वाली सिस्टर आ गई मेरी, और बड़ी वाली ब्लॉगर, तो इसके ब्लॉग से थोड़ा मेरा भी ब्लॉग आगे बढ़ेगा यार, तो देखो इसका चैनल को भी चंद्रा डेली ब्लॉग करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं इसका लिंक गाड़ी ग्राम कुचाड़ी बंदी में पहाड़ी, तो यार हमारा भांजा आ गया फाइनली, किसी के साथ नहीं जाएगा, मेरे साथ ही आएगा, देखो आ जाओ, हेलो आ जाओ गुरु, टिटिट करेंगे, टिटिट जाएगा गाड़ी में जाएगा। तो ये हमारा रियांशु, हमारा भंजा रियांशु आ गया, अब किसी के साथ नहीं जाएगा, मैं आ गया हूँ ना घर, मेरे साथ ही रहता है मामा के साथ ही, हेलो बोल दो एक बार और बोल दो, हेलो गाइस बोल, हेलो गाइस, ये मामा को पा किसी को जल्दी पहले पकड़ो, मेरे को जल्दी पकड़ो, क्या कौन पे लाठ मारे हो, ये पकड़ो जल्दी, किसी करो, थैंक यू वेलकम, वेलकम बोलो, वेलकम बोल दो एक बार, वेलकम वेलकम। तो दगड़ियों अभी हम चारों भाई बहन एक साथ मिल गए हैं आफ्टर एक साल के बाद, और जब से इसकी शादी हुई तब से अभी मिल रहे हैं। ये वाली ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, सबसे बड़ा मैं हूँ, ब्यौन हो गया हूँ मैं, लड़की देखो मेरे लिए, और ये है जिसकी मई में शादी हुई थी, और ये हमारी छोटी वाली सिस्टर, इसको शर्म ज्यादा है, और हमारा रियो, ये मम्मी, तो ये मैं मम्मी देखो यार चौहर फैल रहा, 4 दिन में ना रहा हूँ मम्मी, बड़ा मुश्किल में नौ रोया घर में, क्या करूँ बड़ा परेशानी हो रहा है। तो दगड़ियो यार अब थोड़ा मेरे को जान, मेरे को पकड़ दो मेरे को जल्दी, तो गाइस अभी मेरे को जो छोड़ने के लिए जाना है इसको, इसका ससुराल थोड़ा अपसेट अपसेट है, थोड़ा सा अपसेट, कल ये वीडियो परसों आएगी, रानीखेत जाना है मेरे को पिलखोली। तो दगड़ियों देखिए आपने सब हमारे फैमिली मेंबर आज सब घर आ चुके हैं सब मिलने के लिए, छोटी वाली बड़ी सिस्टर, और छोटी सिस्टर तो जीव को लेके घूम रही, और बाकी मम्मी चावल की तैयारी कर रही खाना पीने की, तो ये है हमारी पूरी फैमिली। तो दगड़ियों फिलहाल अभी हो रही है खाना पीने की तैयारी, मम्मी ने खाना वाना बना लिया, और मस्त करके इंदू ने काट दिया सलाद मूली, चलो पहले फटाफट खाना खाते हैं, फिर उसके बाद तैयार होते हैं, इंदू को छोड़ने चलते हैं सीधे रानीखेत। तो यार गाइस तुम्हारा भाई तो हो गया है रेडी, अब सिस्टर को थोड़ा टाइम लगेगा रेडी होने में,
चलो देखते हैं ऊपर क्या कर रहे हैं। मैं तो रेडी हो गया, 5 मिनट लगते भाई, रेडी होने में इतना टाइम नहीं लगता लड़कियों की तरह। चलो ऊपर छत जाते हैं, ऊपर वाले रूम पे दिखाते हैं क्या कर रहे हैं अभी। तो गाइस रियो को गाड़ी की चाबी चाहिए, इसको स्कूटी में घुमाने के लिए चाहिए। एक जना कहाँ जाएगा, क्रेडिट गाड़ी में, बोल गाड़ी में चले, चलो बोल गाड़ी में चलो। तो गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ फिलहाल, अभी ये रेडी नहीं हुई यार, क्या कर रहे, इतना टाइम लगाता है, बहुत टाइम लगाते हैं लोग। इसको देखो, ये देखो अभी तक इसने बाल ही नहीं बनाए, और तो गाइस मैं तो रेडी हो गया हूँ, तो एक जैकेट डालूंगा बस सीधे निकलेंगे। लड़कों को इतना टाइम थोड़ा लगता है, बाकी इनको लगा इनका लसड़ पसड़ नहीं होता, टाइम नहीं लगता है, बोला परफ्यूम डाल के आ गया, निकल जा निकली जाए मेरे पास, देख लो कह रहे एटीएम से पैसे निकल जाना, वापस देना नहीं तो मत देना है। मैं नौकरी बार होगा, डबल नहीं चला, ओए यो। तो देखो गाइस मम्मी दे रही 500 रुपए, 500 रुपए तो क्या होगा, चलो जो भी है ठीक है, चलो फटाफट हो जाती यार। तो गाइस अभी चल रहा है टीका चंदन की तैयारी, मम्मी टीका लगा रही, जय हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु नमः। हो गया यार, तू तो चली चली हरे यहाँ, जब चली कह बांध यार, चली हर ब्लॉग में लड़के लड़के देखने को बोल रहे यार, तो गाइस अभी टीका चंदन हो गया फर्स्ट क्लास करके, तो अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, देखना यार कमेंट करके बताना, बाकी इनका क्रीम पाउडर अभी तक तैयार नहीं है गाइस, क्या करे। चलो यार गाइस मैं तो रेडी हो गया, मैं भी जैकेट डालता हूँ, जूता पहन लेता हूँ, फिर मिलते हैं सीधे रास्ते पे। अरे तैयार तू हजा भागी, अब न कर तू देर ला, मेरे संगे रानी खेत पूज गे, कता पूज लो हम रानी खेत ला, ओ क्रीम पाउडर घसने की लेने, ओ इंदू पगलिए तू बटने की लेना। तो अभी हमारा रियू को टीका लगाया जा रहा है, चल चल लगा, पहले पहले टीका लगा लो बाबू, टीका लगाओ, इधर को देखो, जय हो जय हो। नानी लगा रही है अभी टीका ना, हाँ मेरे को तो लग गया बाबू, और फूल रखो इनके सर में रखो, हमारे रियू छोटे काना मेरा भांजा, हमारा भांजा मामा के साथ ही रहता है हमारा भांजा, जय कर दो, उसके बाद जय नीचे मम्मी का पाँव पकड़ो, पाँव पकड़ो, पाँव पकड़ो, जय कर दो, जय हो, अरे वाह हमारा संस्कारी बेटा, जल्दी करो किसी करो, थैंक यू वेलकम, चलो फिर चले टीटी चले स्कूटी में, चलो चाबी पकड़ो चलो। तो यार गाइस बड़ी मुश्किल से रेडी हुए इन्होंने, 1 घंटा लगा दिया तैयार होने में, यार लड़कियों को ऐसे ही ड्रामा रहता है यार, क्या करे। और बाकी मेरा भांजा ने लगा रखी है, चल यार चल गाड़ी में, चल गाड़ी में चल, चाबी कहा बाबू, ये है ना चाबी, चलो तो स्कूटी में घूमोगे ठीक है, और बाकी पीछे अभी पीछे पीछे रह गए ये लोग, देखो नीचे मम्मी पीछे से आ रही मेरी झोला उठा के, और ताई वो लोग पीछे, अभी फोटो वोटो खींचने में ऐसी हुआ लड़कियों का, चलियो हम चलते हैं फिर, हाँ हेलो बोल दे, हेलो चले, कहाँ जा रहे हैं हम, बाजार, बाजार जा रहे हैं हम, टिकट आएंगे ठीक है, तो चाहे चलो यार गाइस मैं भी चलते हैं अब, बाकी दिखाते रहेंगे आपको ब्लॉग में जो भी हो जैसा भी हो। अरे आओ यार नखर के करने यार, डाड़ मानना है। तो गाइस अभी पहुंच गए हम धुड़ी मंदिर पे, और मेरे कंधे में मेरा हमारा रियू, हमारा भंजा, चलो घंटी बजाओ बजाओ और बजाओ, एक बार और बजाओ, जय हो भोलेनाथ, जय हो बोल दे, जय भोलेनाथ, आया इंदू आया। तो गाइस अभी पहुंच गया हम अपने रोड पे, स्कूटी स्कूटी निकाल ली, फिर मम्मी लोग थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं मचकाली के पास, और यहां से माउंटेन का व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है हिमालय का, ओ पीछे देखो, बैक कैमरा से दिखाता हूं सभी लोगों को, क्या जन्नत है यार वहां, ये देखो गाइस कितना सुंदर सा हिमालय आ रहा है, हिमालय का व्यू देखो जबरदस्त,
बाकी इस साइड को धूप आई नहीं अभी। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम इंदू के ससुराल पिलखोली। बाकी ये रहा उसका गांव। अच्छा व्यू आ रहा है इधर का, तो अच्छा लग रहा है यहाँ, जगह भी अच्छी लग रही है मेरे को। तो मैं तो एक बार पहले भी आया हूँ। बाकी दोस्तों जो रोड दिख रही है ये सीधे गर्म पानी मिलती है, ये रानीखेत से सीधे हल्द्वानी के लिए है। बाकी काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का पिलखोली का। तो यार गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।